एनसीआरबीआई की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश बाल अपराध में देश में नंबर वन बन गया है, तो वहीं इंदौर अपराध में देश में छठे नंबर पर है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश सचिव यादव ने बताया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वयं स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश अपराध में देश में नंबर वन पर है। इसके पश्चात भी गृह मंत्री अपनी असफलता का महिमा मंडल कर रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा होने की जगह भाषण वीन बढ़ रहे हैं। यह सिद्ध हो गया है कि शिवराज सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन गया है। शिवराज के गृह मंत्री असफल गृह मंत्री सिद्ध हुए हैं। गृह मंत्री को नैतिकता के नाते तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हम अपराध छुपाते नहीं है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, यहाँ EFIR है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे अपना मोबाइल उठा के EFIR कर सकते हैं। FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश में सबसे पहले सरकार बनते ही हमने ये किया था। हमने दुष्कर्मियों को फांसी की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया। इसमें कन्वेंशन 82% है। अभी तक 38 लोगों को इसमें सजा हो चुकी है, फांसी की और आजीवन कारावास की। मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर महिला थाना है और हर थाने के अंदर महिला डेस्क है। ये प्रदेश अपने आप में अलग प्रकार से काम इस क्षेत्र में कर रहा है और जिसके परिणाम आपके सामने। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश बच्चों के अपराध में नंबर वन है और इंदौर अपराध में छठे नंबर पर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपनी असफलता का महिमा मंडन इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया हो या शिवराज सरकार बहुत सफल सरकार हो। स्वयं गृह मंत्री यह बोल रहे हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे FIR की जा सकती है। आप ये बताइए माननीय गृह मंत्री जी कि बिस्तर पर लेटे लेटे आराम से FIR अगर की जाती है तो क्या FIR करना कोई पर्यटन केंद्र का फार्म बनना है या कहीं उसको पिकनिक मनाने जाना है या थाना पिकनिक स्पॉट है कि वो बिस्तर पर लेटे लेटे FIR करेगा? लोग पीड़ित हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, आपकी व्यवस्था तंत्र फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था जीरो है, आप अपराध रोक नहीं पा रहे हैं, महिला अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं कि महिला डेस्क के थाने में ये व्यवस्था है। व्यवस्थापक आप बहुत अच्छे हैं लेकिन कानून व्यवस्था को लागू करने में असफल सिद्ध हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी शिवराज सरकार की और गृह मंत्री की है। नंबर वन बनने के बाद अब शिवराज जी को विचार करना चाहिए कि गृह मंत्री किसे बनाया जाए और स्वयं गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि वो कानून व्यवस्था संभालने में असक्षम सिद्ध हुए हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने वाले और नफरत की राजनीति करने वाले अब सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं #WeLoveModi, जबकि इनको बनाना चाहिए #WeLoveJihadMadhyaPradesh। ऐसी राजनीति करने वाले जो प्यार को भी बांटते हैं, विश्वास को भी बांटते हैं, वो आज उस हृदय स्थल पर जिसे 56 दुकान बोलते हैं वहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है जिसमें यह स्लोगन दिया गया है। ये वो 56 दुकान है जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विजन से बनी थी, उनकी सोच का परिणाम का नतीजा है। ऐसी जगहों पर इस तरह के स्लोगन लगाना और राजनीतिक विद्वेष पैदा करना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज भी लव जिहाद पर आधारित है। इनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए क्या वहां जो सेल्फी लेने जाएंगे उनको अपना आधार कार्ड बताना पड़ेगा, वरना लव जिहाद का केस तो नहीं हो जाएगा उस स्लोगन के साथ फोटो लेने पर। इसके साथ इस बात की भी जांच होना चाहिए कि कौन से नियम के अंतर्गत जनता के पैसों का दुरुपयोग करके नगर निगम ने इस तरह के स्लोगन वाली सेल्फी स्थल बनाया है। क्या यह उचित है? किसी भी व्यक्ति का महिमा मंडन करना और वो भी राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, यह जनता के पैसे की बर्बादी है और इस तरह की राजनीति लोगों के इशारे पर नगर निगम का काम करना यह दर्शाता है कि नगर निगम सिर्फ एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है।